देखा कि ना सिर्फ खूबसूरती रही है सदाबहार, बल्कि उनके व्यवहार, उनकी अदाएं भी रही है सदाबहार, एनर्जी भी रही है सदाबहार। दोस्तों, आज हम आपको एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की वो स्टोरी बताने जा रहे हैं जो कि आपको हैरान जरूर करेगी, क्योंकि रेखा ने पास्ट लाइफ में काफी कुछ कहा अमिताभ को लेकर, उनका एक स्टेटमेंट जिसकी वजह से अमिताभ उनसे और दूर गए। जब जया बच्चन संग शादी के बाद अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, रेखा जब उनकी जिंदगी में आई, ये वन साइडेड लव स्टोरी थी या फिर टू साइडेड स्टोरी थी, इस बारे में काफी चर्चा हुई, क्योंकि रेखा ने तो शुरुआत से ही खुलकर अमिताभ के लिए मोहब्बत को इजहार किया, लेकिन अमिताभ अपने फिल्मी सफर के टॉप पर जया संग शादी के बाद कभी किसी गैर महिला के प्यार के बारे में बात करने से आगे बढ़कर रुझान नहीं पेश करते थे, जिसके कारण रेखा का प्यार भी देखते ही देखते वन साइडेड स्टोरी बन गया। लेकिन इसके बावजूद रेखा को कभी भी गलत प्रकार से अमिताभ बच्चन ने अपने जुबान पर आए शब्दों से एम्बेरेस नहीं किया, कभी भी अमिताभ ने रेखा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया। आज हम आपको दोस्तों हमारे इस शो में, खास प्रोग्राम में, रेखा की यही सच्चाई बताने जा रहे हैं, तो जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बात की जाए अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस के बारे में, तो आप जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में नाम शुमार होता रहा है बॉलीवुड टाउन की फेवरेट एक्ट्रेसेस के बीच वन एंड ओनली रेखा का सबसे ज़्यादा सबके बीच सबसे खास तौर पर। जी हाँ, क्योंकि रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस हमेशा रही जिन्होंने लोगों को दिल खोल कर दीवाना बनाया, और इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने एक्टिंग ज़बरदस्त की, क्योंकि वो हमेशा हर दर्द में मुस्कुराती भी रही। तो वही आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में, हमारी इस खास रिपोर्ट में ये भी बात कि रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस भी रही है दोस्तों, जो कि अपनी बात रखने के अलावा कई बार कई ऐसी चीज़ें कर चुकी हैं जो लोग नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ, रेखा ने दिल खोलकर अपनी बात हर किसी के बीच रखी। रेखा ने अवार्ड फंक्शन हो या फिर कुछ कोई भी मौका हो, हर जगह पर दिल खोल कर फिल्मों के लिए अपनी मोहब्बत को पेश किया। अब बात रेखा की हो रही है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वाकई में क्यों रेखा बाकियों से अलग कहलाती है, क्योंकि रेखा की जो बात है वो खास है। रेखा अपने आप में बेहद खास है, रेखा अपने आप में लाजवाब है। ये सब जानते हैं रेखा क्यों इतनी लाजवाब है, क्योंकि रेखा ने अपने आप को हमेशा लाजवाब पेश भी किया है। रेखा की बात हो रही है तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि क्यों रेखा को बाकियों से हमेशा खास माना गया। अमिताभ बच्चन के साथ उनके तमाम तरह से नाम जुड़े, जिनके साथ उनके रिश्ते सालों पहले ही टूट गए थे। अमिताभ के साथ उन्होंने सालों से फिल्में नहीं की, लेकिन अमिताभ के गानों पर परफॉर्म करने के से पीछे कभी भी रेखा नहीं हटती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रेखा हर जगह पर हर तरह से अमिताभ बच्चन के गाने पर परफॉर्मेंस करना पसंद करती है, फिर चाहे अमिताभ बच्चन को पसंद हो ना हो, रेखा को ऐसा करने में कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही है, और रेखा ने इस बात को प्रूव भी किया है। एक बार नहीं, कई बार अमिताभ के गाने पर डांस परफॉर्म कर सिलसिला फिल्म में आखिरी बार रेखा और अमिताभ बच्चन को देखा गया। आखिरी बार अमिताभ बच्चन और रेखा सिलसिला फिल्म में जब नजर आए थे, कहा जाता है कि इन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी के किस्सों को फिल्मी पर्दे से दूर तो रखा, लेकिन इसके पीछे का कारण ये भी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बाकियों से हमेशा अलग निजी जीवन को बनाकर रखा। ये भी सच है कि रेखा अमिताभ के गाने पर परफॉर्म इसलिए भी करती है क्योंकि उन्होंने हमेशा से ये बताया है कि उन्हें अपने फिल्मी सफ़र के दौरान जिस भी एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, इसमें उन्हें कोई पछतावा नहीं रहा है। रेखा ने कई बार इस बात को साबित किया है कि उनके लिए अमिताभ बच्चन वाकई में सबसे ज़्यादा खास रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी से रेखा को इतना प्यार रहा कि वो अमिताभ बच्चन की दीवानी होने से खुद को कभी भी नहीं रोक पाई। उनकी पर्सनालिटी ने रेखा को इतना ज़्यादा दीवाना बनाया कि वो कभी खुद को उनके प्यार को ठुकराने से नहीं पीछे हट पाई।
जया बच्चन सर अमिताभ की शादी के बावजूद रेखा कभी भी अमिताभ बच्चन से दूर अपने प्यार को इजहार करने से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। रेखा ने इस पर बात किया। स्टार स्क्रीन अवार्ड में जब अमिताभ बच्चन पहुंचे थे तो रेखा उसके बावजूद अमिताभ बच्चन के होने पर सिर्फ जया बच्चन नहीं थी, लेकिन फिर भी रेखा ने परफॉर्मेंस दिया था और कोई कमी नहीं रखी थी। सच है ये बात कि अमिताभ बच्चन के साथ भले परफॉर्मेंस उन्होंने किया, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, उन्हीं के गाने पर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तब अमिताभ बच्चन ये देख कर क्या कर रहे थे, लोग ये जानना चाहते थे कि अमिताभ बच्चन क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पब्लिकली अमिताभ बच्चन रिएक्ट करते भी तो कैसे। अमिताभ बच्चन चाहते तो ज़रूर थे रिएक्ट करना, लेकिन ये उनसे हो नहीं सका। वो चाहकर भी खुद को कैसे संभाल पाते, और सिर्फ जया बच्चन के साथ अपने रिश्ते का मर्यादा रखने के लिए अमिताभ ने रेखा को हमेशा इग्नोर किया है। और ये बिल्कुल सच है कि अमिताभ बच्चन को इससे कोई परेशानी नहीं रही, तो चाहे कभी भी बात किसी तरह की जाए, मीडिया में कैसी भी फैलाई जाए, वो अपनी पत्नी जया का साथ नहीं छोड़ पाए। रेखा ने कितनी भी बात की, कभी भी रेखा को लेकर अमिताभ ने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये दोनों अवार्ड फंक्शन में एक बार तो एक दूसरे के सामने भी आए, लेकिन कभी भी रेखा को देखकर अमिताभ बच्चन ने मिसबिहेव नहीं किया। अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन स्टार स्क्रीन अवार्ड शो में खास तौर पर रेखा के सामने आने पर चर्चा का विषय बने थे, क्योंकि रेखा ने उस अवार्ड शो में डांस किया था कुछ ऐसा उन्हीं के गाने पर। परदेसिया गाने की बात की जाए, सिलसिला फिल्म के गाने की बात की जाए, होली का गाना हो या फिर कोई और, रेखा ने दिल खोल कर अपनी बातें रखी और रेखा की जमकर तारीफें भी हुई। जब परदेसिया गाने पर रेखा ने डांस किया था, अमिताभ वहीं मौजूद थे। ऐश्वर्या राय बच्चन से रेखा मिली हो या फिर मिली हो अभिषेक बच्चन से, रानी मुखर्जी हो या जया बच्चन हो या फिर हो वहाँ पर शबाना आज़मी, हर मौके पर रेखा अमिताभ बच्चन सामने आने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए अपने सम्मान को नहीं भूलते। हाथ जोड़कर अमिताभ बच्चन ने रेखा को जब सम्मान दिया था, लोग ये देखते रह गए थे। मीडिया के सामने इनकी फ़ोटोज़ काफ़ी क्लिक की गई थी। उस फोटो में अमिताभ और रेखा दोनों एक दूसरे को झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम करते नजर आए थे। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ हम सब देखते रहेंगे। तो दोस्तों, रेखा की जिंदगी के किस्से हमने आपको सुनाए, रेखा के बारे में हमने आपको दिलचस्प बातें बताई, रेखा के फिल्मी सफर से हमने आपको रूबरू कराया, रेखा के फिल्मी सफर खत्म होने के बाद कैसी जिंदगी रही, कैसे बी टाउन में वो अमिताभ बच्चन को लेकर आए दिन किसी न किसी इवेंट को लेकर सुर्खियों में रही, लेकिन अमिताभ ने भी मौका नहीं छोड़ा। जाने अनजाने में अमिताभ बच्चन रेखा के सामने आकर, खास तौर पर सामने आकर नजरअंदाज करके उन सभी रिश्ते को लेकर होने वाले सवालों को जन्म दिया, जो कि उनकी दूरियों को पीछे की वजह बताता है, क्योंकि एक बार था वो रिश्ता जिसे ये छुपाते हैं ये कहा जाता है। इससे आपकी क्या राय है, अमिताभ और रेखा को क्या इस उम्र में भी स्क्रीन शेयर करना चाहिए, क्या अपने पुराने फिल्मों को दोबारा से नए अवतार में लाना चाहिए, क्या अमिताभ और रेखा स्क्रीन पर आपको पसंद आए, या ये जोड़ियां आपको दिल जीतने के लिए काफी दिलाती थी अपनी एक्टिंग से, ये हमें जरूर बताएं। फिलहाल लेंगे यहीं पर इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।